नमस्कार, मैं दर्पण आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा, आपका इस सत्र में स्वागत करता हूं। ये सत्र में हम लोग ये जानेंगे कि कास्केडिंग स्टाइल शीट अर्थात CSS के माध्यम से अपना वेब पेज कैसे सुंदर और प्रभावी बना सकते हैं। इस सत्र के जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो हैं कि CSS HTML के साथ कैसे काम करेगा, कैसे हम विभिन्न HTML टैग्स को CSS के माध्यम से प्रभावी बना सकते हैं। इसके साथ ही हम ये जानेंगे कि CSS विभिन्न कंपोनेंट पर किस प्रकार से कलर को प्रभावी रूप से अग्रसरित कर सकता है। इसके साथ ही बूटस्ट्रैप क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और हम विभिन्न नेविगेशन बार कैसे CSS के माध्यम से बना सकते हैं ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या होती है, जिसे हम CSS भी कहते हैं। कास्केडिंग स्टाइल शीट एक टूल है जिसके माध्यम से HTML डॉक्यूमेंट के विभिन्न टैग्स और विभिन्न एलिमेंट्स को हम प्रभावी बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो ये CSS डिज़ाइन, लेआउट और ये सब कुछ करने के लिए आवश्यक है, जो हम HTML के सामान्य टैग से नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही ये हमें बताता है कि वो कंपोनेंट ब्राउज़र पर कैसे डिस्प्ले होगा, किस रंग में डिस्प्ले हो, किस प्रकार का डिस्प्ले हो, ये सब हम कास्केडिंग स्टाइल शीट के माध्यम से कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कैसे CSS फाइल हमारे HTML डॉक्यूमेंट में अटैच हो सकती है। CSS फाइल को अटैच करने के तीन तरीके हैं, एक्सटर्नल लिंक, एम्बेडिंग स्टाइल शीट या इनलाइन स्टाइल। तो पहला है एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक का अर्थ हुआ कि हम अपने वेब पेज पर किसी बाहरी ड्राइव पर सेव फाइल कैसे लिंक करेंगे। इसके लिए जो हम प्रयोग में लाते हैं टैग वो है लिंक टैग। लिंक के आगे हम लिखते हैं HREF यानी कि हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक के बाद हम लिखते हैं कि कहां पर हमारी फाइल सेव है, उसका फुल स्पेसिफाइड पाथ। इसके बाद हमें यह बताना होता है ये फाइल किस प्रकार की है, तो उसके लिए जो हमारे पास एट्रीब्यूट है वो है टाइप, और टाइप में हम लिखते हैं टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। इसके बाद हम रिलेटिव टैग का यूज करते हैं REL, वो ये बताता है कि किस प्रकार की ये फाइल हमने अटैच करी है, वो है स्टाइल शीट, क्योंकि ये CSS फाइल है। दूसरा तरीका है एम्बेडिंग स्टाइल शीट। एम्बेडिंग स्टाइल शीट का अर्थ है कि हम पूरी की पूरी स्टाइल अपने HTML डॉक्यूमेंट में ही लिखते हैं, जहां एक्सटर्नल स्टाइल शीट के अंदर पूरी स्टाइल एक बाहरी फाइल में लिखी जाती है, वहीं एम्बेडिंग स्टाइल शीट में पूरा का पूरा कोड उसी वेब पेज पर लिखा जाता है जहां पर हमें ये अप्लाई करना है। इसके लिए हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टाइप टेक्स्ट CSS लिखने के बाद इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे CSS का वो हमारे इस वेब पेज पर अप्लाई होगा। तीसरा है इनलाइन स्टाइल। कुछ स्टाइल शीट HTML 5 में अप्लाई कर सकते हैं, और वो जो स्टाइल्स हैं वो HTML टैग के साथ ही हम अप्लाई कर देते हैं, जिसके लिए हमें ऊपर ना तो एम्बेड स्टाइल शीट और ना ही एक्सटर्नल लिंक की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए इस उदाहरण में हम ये चाहते हैं कि पैराग्राफ हमारा ब्लू कलर से लिखा जाए, टेक्स्ट का कलर ब्लू हो, और साथ ही जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है वो सेंटर हो। इसके लिए हम लोगों ने एम्बेडिंग स्टाइल शीट का प्रयोग किया, उसमें हमने हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग यूज किया, और इसमें साथ ही हमने लिखा कि P braces और कलर इज ब्लू एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। इसका अर्थ है जितने भी P टैग हम इस फाइल में प्रयोग में लाएंगे उनका टेक्स्ट कलर ब्लू हो जाएगा और उनका अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा। जैसे हमने बॉडी टैग के अंदर पैराग्राफ टैग को यूज किया और उसमें हमने हेलो वर्ड लिखा, तो हेलो वर्ड सेंटर अलाइन और ब्लू कलर से आया। दूसरा पैराग्राफ इस्तेमाल किया तो उसमें हमने लिखा दिस इज लेक्चर ऑन CSS, वो भी हमारा ब्लू कलर से आया और सेंटर अलाइन हुआ। इसका अर्थ अगर हम इस प्रकार से काम करेंगे तो जितने भी पैराग्राफ हम इतनी फाइल में प्रयोग में लाएंगे उन सब पर एक ही स्टाइल प्रयोग में आने वाली है। अब हम ये देखते हैं कि सेलेक्टर कितनी प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला है ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर का अर्थ ये हुआ कि एक यूनिक ID जो हम अपने HTML के हर एक कंपोनेंट को प्रोवाइड कराते हैं, उस ID के माध्यम से कंपोनेंट को पहचानना
और उसी आईडी के माध्यम से पहचाने गए कंपोनेंट के ऊपर कोई स्टाइल अप्लाई करना, इसके लिए हम आईडी सेलेक्टर का प्रयोग करते हैं। आईडी सेलेक्टर के प्रयोग के लिए हम जिस भी कंपोनेंट पर अप्लाई करना चाहते हैं स्टाइल, उसके आगे हैश का प्रयोग करते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में एक स्टाइल अप्लाई हो जिस स्टाइल में अलाइनमेंट सेंटर हो और जो टेक्स्ट कलर है वो टोमेटो कलर हो। ये जो टोमेटो कलर है ये HTML ने कुछ कलर्स को अपनी तरफ से नाम दिए हुए हैं, हम उन कलर्स को डायरेक्टली उस नाम से प्रयोग में ला सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा उद्देश्य इस एग्जाम्पल से ये है कि हम अपने पैराग्राफ में ये स्टाइल अप्लाई करें। तो हम लोगों ने लिखा हैश माई पैरा का अर्थ हुआ कि हम लोगों ने एक स्टाइल बनाई है। उस स्टाइल में हमने ये लिखा कि टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर कलर टोमेटो। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पैराग्राफ में लिखा ID इज इक्वल टू माई पैरा। इसका मतलब है जो स्टाइल हम अप्लाई करेंगे इस पैराग्राफ पर वो स्टाइल माई पैरा से आएगी। तो हमने ये देखा कि इस पैराग्राफ को जो स्टाइल आइडेंटिफाई होगी वो आईडी से होगी। वहीं दूसरा हमने पैराग्राफ लिखा उस पर हमने कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं करी, तो वो सामान्य डिफॉल्ट स्टाइल अर्थात उसका टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट रहा और वो ब्लैक कलर से लिखा हुआ आया। तो इस प्रकार से अगर हम किसी पैराग्राफ या किसी कंपोनेंट पर कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो हम आईडी सेलेक्टर के माध्यम से CSS अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्लास एट्रीब्यूट पर या क्लास एट्रीब्यूट के किसी एलिमेंट पर हम प्रयोग में ला सकते हैं। क्लास सेलेक्टर का प्रयोग हम डॉट से करते हैं, अर्थात अगर हमें क्लास सेलेक्टर का प्रयोग करना है तो उसके आगे हम डॉट लगाएंगे। जैसे हमने ये लिखा अपने इस उदाहरण में डॉट सेंटर। डॉट सेंटर हम एक स्टाइल बना रहे हैं जिसके अंदर अलाइनमेंट सेंटर रहेगा और कलर ऑरेंज रहेगा। हमने दूसरा एक बनाया स्टाइल डॉट राइट, जिसके अंदर हमने राइट अलाइनमेंट बनाया और कलर हमने टोमेटो बनाया। अगर आप आगे देखें, हमने एक हेडिंग ली H1। H1 पर अगर हमें स्टाइल अप्लाई करनी है तो हम लोगों ने क्लास एट्रीब्यूट का प्रयोग किया। क्लास का अर्थ है कि वो क्लास जो हमने ऊपर डिफाइन करी है वो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ हमने हेडिंग के अंदर अप्लाई किया क्लास सेंटर। इसका अर्थ है जो सेंटर क्लास के अंदर हमने स्टाइल अप्लाई की है वो सारी की सारी स्टाइल H1 हेडिंग के अंदर अप्लाई हो जाएगी जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं हमने दूसरा पैराग्राफ लिया P और उसमें हमने जो स्टाइल अप्लाई करी वो राइट अप्लाई करी, तो राइट स्टाइल के अंदर हमने जो स्टाइल बताई है वो इस पैराग्राफ के अंदर अप्लाई हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि या तो हम आईडी के माध्यम से या क्लास के माध्यम से हम CSS को अप्लाई कर सकते हैं। बस फर्क ये हुआ कि अगर हम आईडी के माध्यम से करेंगे तो हैश अप्लाई करना पड़ता है पहले, और वहीं अगर हम लोग क्लास के माध्यम से करना चाहते हैं तो हम वहां पर डॉट अप्लाई करते हैं। अब एक उदाहरण आपके सामने यहां पर है जहां हमने H1, H2 और P अर्थात हेडिंग 1, हेडिंग 2 और पैराग्राफ के अंदर एक ही स्टाइल अप्लाई करी है। अब एक स्टाइल अप्लाई करी तो हमें उसको बार बार लिखना पड़ रहा है। इसका मतलब H1 नाम का जो कंपोनेंट होगा उन सब पर ये स्टाइल अप्लाई होगी, हेडिंग 2 के अंदर ये वाली स्टाइल और पैराग्राफ के अंदर ये स्टाइल। या तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे या हम इनको ग्रुप भी कर सकते हैं। इन्हें ग्रुप कर जो हमारे पास उदाहरण आता है वो ये वाली स्लाइड में दिख रहा है। इस स्लाइड में हमने देखा कि बजाय H1, H2 और P को अलग अलग लिखने के हम लोगों ने कॉमा कर इन तीनों एलिमेंट्स को लिखा, और क्योंकि इन सब पर एक ही स्टाइल अप्लाई हो रही है तो हमने इन तीनों को क्लब कर दिया, ग्रुप कर दिया। इसे हम कहते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर। और आप लोग देखेंगे कि हेडिंग 1, हेडिंग 2 और पैराग्राफ की एक ही स्टाइल हो गई जो कि टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट और कलर टोमेटो है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है कि हम बैकग्राउंड कलर कैसे बदल सकते हैं। बैकग्राउंड कलर को बदलने के लिए हमने एक स्टाइल यूज करी है जिसे कहते हैं background-color। ये स्टाइल HTML5 के अंदर उपलब्ध है। हमने किसी भी कंपोनेंट के साथ इनलाइन CSS का प्रयोग कर
इस बैकग्राउंड कलर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं जैसा कि इस उदाहरण में किया गया है। H1 हेडिंग 1 के अंदर हमने स्टाइल को बैकग्राउंड कलर को प्रयोग में लाया और उसकी वैल्यू लाइट ग्रीन दी, जिससे कि हेडिंग 1 की जो बैकग्राउंड है वो लाइट ग्रीन हो गई। साथ ही हमने पैराग्राफ के अंदर जब हमने बैकग्राउंड कलर स्टाइल का प्रयोग किया और उसकी वैल्यू येलो दी तो उस पैराग्राफ का बैकग्राउंड येलो कलर का हो गया। हम अगली स्टाइल समझते हैं टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर के लिए हम कलर नाम का प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं। हमने ये भी इनलाइन प्रॉपर्टी का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने इस हेडिंग के अंदर कलर टोमेटो लिया, स्टाइल के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट में हमने कलर टोमेटो वैल्यू दी, दूसरा पैराग्राफ की स्टाइल के अंदर हमने कलर ब्लू वैल्यू दी और दूसरे पैराग्राफ में कलर वैल्यू हमने सी ग्रीन दी। तो इसमें उदाहरण में आप लोग देख रहे हैं हमने तीन कंपोनेंट प्रयोग किए, हेडिंग 3, पैराग्राफ पहला और पैराग्राफ दूसरा, और तीनों में हमने टेक्स्ट कलर अलग अलग दिया। इसका आउटपुट अगर हम देखें नेक्स्ट स्लाइड में तो हम देखते हैं तीनों में अलग अलग तरह के कलर टेक्स्ट के हमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हम टेक्स्ट कलर को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ये स्टाइल बना सकते हैं। अगली स्टाइल देखते हैं बॉर्डर कलर। अगर हमें बॉर्डर कलर देना है तो ये भी हम इनलाइन स्टाइल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे हमने लिखा बॉर्डर, बॉर्डर के बाद हमने उसकी स्ट्रोक वैल्यू दी। स्ट्रोक वैल्यू का अर्थ है कि कितना चौड़ा वो बॉर्डर देखना चाहिए। फिर हमने उस बॉर्डर किस प्रकार का हो तो सॉलिड लाइन बताई और साथ में उसका कलर बताया। तो इस प्रकार से जो बॉर्डर है उसकी आप देखेंगे तीन वैल्यू हुई। एक तो स्ट्रोक वैल्यू, यानी कि जो लाइन बॉर्डर के लिए प्रयोग में लाएगी वो कितनी चौड़ी हो, सॉलिड इसका मतलब किस प्रकार की हो, और तीसरा किस रंग की हो। हमने तीन कंपोनेंट प्रयोग में लाए हैं और तीनों में हमने कलर बदल बदल कर दिखाया है। तो हम इस प्रकार से बॉर्डर कलर को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्ट्रोक वैल्यू और स्टाइल को चेंज कर कर भी देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के बॉर्डर हम स्टाइल के माध्यम से बना सकते हैं। अगला विषय है नेविगेशन बार। हम लोग ये जानते हैं जब हम वेबसाइट पर जाते हैं तो हमें विभिन्न मेन्यूज या विभिन्न टैब्स हमें दिखाई देते हैं जिसके माध्यम से अलग अलग वेब पेज पर होम पेज के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। तो विभिन्न विभिन्न जगह पर अगर हम होम पेज से जाएंगे या किसी दूसरे पेज से पहुंचते हैं तो उसे हम नेविगेशन बार कहते हैं। नेविगेशन बार को हम CSS के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको समझने के लिए इस उदाहरण को देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन पेज हैं और इन तीन पेज को हमें अपने पेज से दिखाना है। तो एक सामान्य तरीका है कि हम अनऑर्डर लिस्ट टैग यानी कि UL टैग का प्रयोग करें और तीनों को हम एक एंकर टैग दें जिससे कि अगर हम क्लिक करें तो उस पेज तक पहुंच सकें। लेकिन ये तरीका इफेक्टिव नहीं लगता, सुंदर नहीं लग रहा। तो क्या हम CSS के माध्यम से और सुंदर नेविगेशन बना सकते हैं? जैसे ये हमारा सामान्य HTML को प्रयोग से लाया गया नेविगेशन बार है, क्या हम इसको इस प्रकार के नेविगेशन बार में बदल सकते हैं जहां पर एक्टिव पेज का अर्थ है जो पेज हमें अभी प्रदर्शित हो रहा है उसका कलर अलग हो, जिसके ऊपर माउस जाए उसका कलर अलग हो और बाकी के बाकी मेन्यूज का कलर अलग हो? तो उसको करने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कोड क्या लिखेंगे। इसके लिए ये कोड का हम प्रयोग करेंगे। इस कोड में आप देखेंगे कि अनऑर्डर लिस्ट टैग यानी कि UL टैग के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं, कुछ स्टाइल दी है। इसके साथ ही हम लोगों ने जो लिस्ट टैग यूज कर रहे थे उस लिस्ट टैग की भी कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं, और साथ में ही लिस्ट टैग के अंदर जो हम एंकर टैग यूज कर रहे थे उस एंकर टैग की भी हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर दी हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे हमने एंकर टैग के एक्टिव की प्रॉपर्टी दी है, एक्टिव क्लास दिया है जिसके अंदर हमने बैकग्राउंड कलर और बाकी कलर हमने चेंज किया है। साथ ही हमने एक और एंकर टैग लिया है जिसके अंदर हमने हॉवर लिखा है और साथ में लिखा है कि नॉट एक्टिव, अर्थात जो एक्टिव नहीं है और जिसके ऊपर माउस मूव हो तब उसका कलर क्या हो, टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड कलर, ये हमने यहाँ प्रदर्शित किया है। अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं और साथ में एग्जीक्यूट करते हैं तो आप पाएंगे कि आप इस प्रकार का मेन्यू प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पर एक्टिव मेन्यू अलग रंग का, और अगर आप माउस मूव करते हैं अलग अलग मेन्यूज पर तो उसका कलर और स्टाइल अलग होगी और बाकी के जितने मेन्यूज बचे उनकी स्टाइल अलग होगी।
अगला विषय है बूटस्ट्रैपिंग। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यह समय स्मार्टफोन्स का है। भारत में 650 मिलियन के आसपास फोन का प्रयोग करने वाले लोग हैं और 300 मिलियन ऐसे हैं जो स्मार्टफोन प्रयोग में लाते हैं। क्योंकि वेब टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो जब तक वेब टेक्नोलॉजी फोन तक नहीं पहुंचेगी, ये और इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। लेकिन सामान्य वेबसाइट जब फोन पर खुलेगी तो वो उस प्रकार से प्रदर्शित नहीं होगी जिस प्रकार से होनी चाहिए। बूटस्ट्रैपिंग का अर्थ ये हुआ कि अगर हम अपनी वेबसाइट को फोन पर ओपन करें तो फोन के लिए इफेक्टिव दिखे, और अगर डेस्कटॉप पे देखें तो डेस्कटॉप के लिए इफेक्टिव दिखे। माने एक ही साइट दोनों जगह इफेक्टिव दिखे, ऐसा ना लगे कि फोन वाली साइट अच्छी है और डेस्कटॉप वाली अच्छी नहीं है। तो इसके लिए हम बूटस्ट्रैपिंग का प्रयोग करते हैं। बूटस्ट्रैपिंग के लिए एक पूर्ण का पूरा फ्रेमवर्क प्रयोग में लाया जाता है जो कि ओपन सोर्स और फ्री है, जिसे हम लोग बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क भी कहते हैं। इसके माध्यम से रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्रिएट किया जा सकता है। इस बूटस्ट्रैपिंग फ्रेमवर्क में HTML, CSS, इसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट का भी हम प्रयोग करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की टेबल्स, इमेजेस और अन्य एलिमेंट्स का भी प्रयोग किया जाता है। बूटस्ट्रैप डेवलपमेंट HTML5 डॉक टाइप के अंदर किया जाता है, अर्थात हमें अपने HTML डॉक्यूमेंट को बताना पड़ेगा कि ये डॉक टाइप HTML5 प्रयोग में लाए। बूटस्ट्रैप 3 एक प्रकार का फ्रेमवर्क है जो मोबाइल फर्स्ट फ्रेमवर्क है, अर्थात पहले मोबाइल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करता है और वही साइट इसी प्रकार से डेस्कटॉप पर दिखती है। अगर हम बूटस्ट्रैप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें कुछ फाइलों का प्रयोग करना पड़ेगा जो ओपन सोर्स अर्थात सबके लिए उपलब्ध है। उन फाइलों का लिंक इस स्लाइड में आपको दिया गया है, जिसमें कुछ जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं और कुछ CSS फाइल्स हैं। तो हमने ये सत्र में देखा कि किस प्रकार से हम अपनी साइट को, अपने वेब पेजेस को इफेक्टिव और सुंदर बना सकते हैं CSS का प्रयोग कर। CSS के प्रयोग करने के तरीके देखे, कितनी प्रकार से कर सकते हैं, किस प्रकार से कलर बदल सकते हैं, किन किन कंपोनेंट पर कलर अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोगों ने इस सत्र में देखा। अगले सत्र में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट का प्रयोग करके अपनी वेबसाइट को हम लोग कैसे इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। धन्यवाद।